डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है समुद्री हीट वेव। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। महासागरों में बनने वाली हीट वेव अब भारत के आसपास के जल क्षेत्र में बढ़ रही हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में इसके बारे में पता चला है। आइए नजर डालते हैं इस अध्ययन से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर। पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रति दशक समुद्री हीट वेव्स में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है, जबकि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में यह दर तुलनात्मक रूप से कम रही है। पश्चिमी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में इन समुद्री हीट वेव्स के चलते मध्य भारतीय उपमहाद्वीप पर सूखे की स्थितियां बढ़ी हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हीट वेव के परिणाम स्वरूप दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। ये पहली बार है जब किसी अध्ययन में समुद्री हीट वेव्स और वायुमंडलीय सर्कुलेशन एवं वर्षा के बीच संबंध को स्पष्ट किया गया है। आइए जानते हैं समुद्री हीट वेव्स के बारे में। यह समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति होती है। समुद्री हीट वेव्स की घटनाएं कोरल ब्लीचिंग, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के विनाश से जुड़ी हैं। इससे मत्स्य पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केल्प वन शीतोष्ण क्षेत्रों में समुद्री तट के पास उथले जल में मौजूद भूरे रंग के घने शैवाल हैं। अध्ययनों ने वैश्विक महासागरों में समुद्री हीट वेव्स की घटना और प्रभावों की जानकारी दी है, लेकिन उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में इसका प्रभाव बहुत कम है। आइए जानते हैं समुद्री हीट वेव्स के प्रभाव के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों के निवास स्थान में बदलाव, जैसे कि दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया में दक्षिण की ओर कांटेदार समुद्री अर्चिन का विस्तार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर प्रभाव के चलते आर्थिक नुकसान, जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित। अक्सर हीट वेव्स की घटना महासागरीय अम्लीकरण, डी ऑक्सीजनेशन और अति मत्स्यन आदि के साथ साथ होती है। ऐसे मामलों में समुद्री हीट वेव्स न केवल आवासों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि अम्लीकरण और डी ऑक्सीजनेशन के जोखिम को बढ़ा देती हैं। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या समुद्री हीट वेव्स के प्रभावों में शामिल है? एक, प्रजातियों के निवास स्थान में परिवर्तन। दो, कोरल ब्लीचिंग। या फिर तीन, मत्स्य क्षेत्र को नुकसान। तो आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी एक दो और तीन। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।